नाकाबले शिकस्त फाइटर खबीब नोर्मा गुमेदोफ ने कैरियर की आखिरी फाइट जीतने के बाद अपनी मां से किया वादा निभाते हुए रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मिक्स मार्शल आर्ट्स में नाकाबले शिकस्त रहने वाले रूस के लाइट वेट वेल्डर चैंपियन खबीब नोर्मा गुमेदोफ की रिटायरमेंट के ऐलान ने उनके मद्दाहों को चौंका के रख दिया। UFC चैंपियनशिप का मार्का मारने वाले खबीब ने अबू धाबी में हमेशा की तरह फतह का झंडा गाड़ते हुए टाइटल जीतने के साथ ही स्पोर्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 32 साल रूसी नजाद बॉक्सर जिस तरह रिंग में नाकाबले शिकस्त रहे, उन्होंने अपने शानदार करियर का इख्तिताम भी उसी कामयाबी के साथ किया। रूस में पैदा होने वाले खबीब ने बचपन में ही अपने वालिद से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी। 2008 में अपने वालिद की रिटायरमेंट के बाद खबीब ने रिंग में कदम रखने का फैसला किया और मिक्स मार्शल आर्ट्स में डेब्यू किया। खबीब के कैरियर पर नजर डाली जाए तो उन्होंने 29 फाइट्स लड़ी और सब मैचेस में फतह हासिल की। खबीब का 2018 में मैक ग्रेगर से भी सामना हुआ। ये मैच भी खबीब ने अपने नाम किया। ये फाइट पूरी दुनिया में यादगार बन गई थी। इसके बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया था। इस वीडियो में हम आपको इस फाइट का अहवाल भी बताते हैं, क्योंकि ये फाइट ना सिर्फ खबीब के लिए बल्कि मुसलमानों के लिए भी चैलेंज बन गई थी। ये फाइट 2018 में अमेरिका के शहर लास वेगास में UFC के तहत लड़ी गई थी, जिसमें रूसी मुसलमान मार्शल आर्टिस्ट खबीब नोर्मा गुमेदोफ और आयरिश मार्शल आर्टिस्ट मैक ग्रेगर मदे मुकाबिल थे। मैक ग्रेगर को दुनिया का खतरनाक तरीन मार्शल आर्टिस्ट और नाकाबले शिकस्त तसव्वुर किया जाता है, लेकिन जितना अच्छा वो फाइटर है उतना ही शरपसंद और गालम गलोच करने वाला शख्स है। मैक ग्रेगर की जानिब से मुसलसल खबीब के मजहब इस्लाम, खानदान और जात को लेकर हकारत अमेज बयानात आ रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैक ग्रेगर ने खबीब को शराब की बोतल दिखाकर कहा, ये लो पियो, जिस पर खबीब ने कहा, हम शराब नहीं पीते। इस पर खबीब का मजाक उड़ाया गया, मगर ताकत के नशे में चूर था और खबीब को कह रहा था कि तुम मेरे सामने चींटी से ज्यादा हकीर हो और इस फाइट के बाद अपनी हड्डियां सलामत लेकर वापस नहीं जाओगे। इसके जवाब में खबीब नोर्मा गुमेदोफ का एक ही जवाब होता था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरा अल्लाह ही काफी है। इन सब बयानात की वीडियो YouTube पर मौजूद है। आज जब ये मुकाबला शुरू हुआ तो लाखों मद्दाहों के दिल की धड़कने रुक सी गई थी। तमाम मुस्लिम दुनिया की नजरें खबीब पर मरकूज थी, क्योंकि इस्लाम का मजाक उड़ाने के बाद ये मुकाबला सिर्फ खेल से कहीं आगे बढ़ चुका था। जब मुकाबला शुरू हुआ तो सारी दुनिया हैरान रह गई जब नाकाबले शिकस्त और खतरनाक समझे जाने वाले मैक ग्रेगर को खबीब ने बुरी तरह से पीटा और चौथे राउंड में ही मैक ग्रेगर की गर्दन ऐसे दबोची कि उसने टैप आउट करके हार तस्लीम कर ली। ये मार्शल आर्ट्स की तारीख की एक अजीम फतह है, खुसूसन मुस्लिम दुनिया के लिए, क्योंकि एक मुसलमान फाइटर ने एक नाकाबले तस्खीर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया है। मुकाबला जीतने के बाद खबीब को जब फिर से मैक ग्रेगर के कोच की जानिब से चंद नाजेबा अल्फाज से पुकारा गया तो इस बार वो अपने गुस्से को काबू में ना रख सका और मैदान से कूद कर अकेला हजारों के मजमे में पहुंचा और मैक ग्रेगर के साथियों को पीट डाला। इंटरनेशनल मीडिया को बयान देते हुए अपने इस रवैये पर खबीब ने माजरत की है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि मुकाबला जीतने के बाद मुखालिफ टीम पर हमला करना मेरी रिवायत के खिलाफ है। आज आपको मेरा हमला करना तो नजर आ रहा है, लेकिन ये नहीं नजर आता कि मैक ग्रेगर ने मेरे मजहब का, मेरे वालिद का और मेरी कौम का मजाक उड़ाया। मैक ग्रेगर और उसके साथियों ने हमारी बस पे भी हमला किया। मैं बहसियत इंसान खुद पर कितना कंट्रोल करता। खैर, मैक ग्रेगर ने जो गुरूर किया उसका सर एक मुसलमान जांबाज ने तोड़ कर रख दिया और तमाम दुनिया को ये बता दिया कि किसी मुसलमान का मजाक उड़ाना उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है। खबीब 12 साल तक नाकाबले शिकस्त रहे और उनके हरीफों को एक के बाद एक उनके सामने हार मानना पड़ी। अपनी आखिरी लड़ाई में भी खबीब ने अपने अमरीकी हरीफ जस्टिन गतीजे को दूसरे राउंड में ही बेबस कर दिया था। फाइट जीतने के बाद खबीब की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। अपने कैरियर की आखिरी फाइट में भी हमेशा की तरह कामयाबी हासिल करने के बाद खबीब ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह
ये मेरी आखिरी फाइट थी, ये नहीं हो सकता कि मैं अपने वालिद के बगैर अब यहाँ वापस आऊँ। उनका कहना था कि जब UFC ने मुझे जस्टिन के साथ मुकाबले के लिए कॉल किया तो मैंने 3 दिन तक अपनी वालिदा को कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो इस बात पर रजामंद नहीं हो रही थी कि मैं मुकाबले के लिए अपने वालिद के बगैर यहाँ अकेला आऊँ। इसलिए मैंने उनसे वादा किया कि ये मेरे करियर की आखिरी लड़ाई होगी, क्योंकि मैं वादा कर चुका हूँ, इसलिए मुझे हर सूरत ये वादा निभाना पड़ेगा। यू अपनी मां से किया गया वादा निभाने की खातिर 32 साल की उम्र में एक बेहतरीन फाइटर रिंग से रिटायरमेंट लेकर आ गया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।